आपके लिए नहीं, अपने लिए। नहीं नहीं सुनना, हमारी वीडियो बना नहीं नहीं अपने लिए। मैं जब भी तो डर रहा हूँ कि वीडियो कैसे बना। नहीं अरे यार क्यों कैसे आप बचाऊं। ओह शिट, मुझे ये कहाँ मिलेगा, ये मेरे को चाहिए। लुक एट दिस मैन, इजंट इट अमेजिंग। काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और टाइम क्या हो रहा है, ओ माय गॉड 2:30 बज गए हैं। तो यार चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लंच ब्रेक ले लेती हूँ। खाने का तो कुछ फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने लिए मॉकटेल बना लेती हूँ। लेट्स गो टू द किचन। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना मैं अपने लिए मॉकटेल बना लेती हूँ, तो उसके लिए आई नीड लिम्का। अबे यार डोंट टेल मी लिम्का ही नहीं है, इधर होगी। ओह शिट, इधर भी नहीं है लिम्का। तो गाइस मेरा मन कर रहा था कि मैं मॉकटेल पीऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली लिम्का नहीं है। तो एक आइडिया है, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, पकाने की हिम्मत है नहीं। तो भाई मैं ना जाती हूँ बाज़ार में, और वहाँ पर जाकर लिम्का लेकर आते हैं, दो चार सामान और लेने और कुछ खा भी लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो मुझे मॉकटेल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी है वो है चिया सीड्स। अबे ये गिरा कैसे है। तो गाइज ये चिया सीड्स हैं, मैं इनको थोड़ा सा भिगो देती हूँ ताकि मैं जब तक आऊँ ना तो ये अच्छे से भीग जाए। और ये है तुखमीरा, आई होप आप लोगों को पता हो तुखमीरा क्या होता है। कैसे आप बचाऊँ। ओह शिट, लंबे लोगों का फायदा होता है और छोटे लोगों का नहीं नुकसान होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम ले लेते हैं इसके अंदर चिया सीड्स। चिया सीड्स फायदेमंद होते हैं बहुत ज़्यादा, बट मैं थोड़ा कम लूँगी, बस इतना बहुत है। ओके, और ये है तुखमीरा। तो तुखमीरा भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ठंडक पहुँचाता है, बट मैं इसको थोड़ा क्रश करके डालना पसंद करती हूँ। देख रहे हो मैंने इसको क्रश कर लिया, और अब मैं इसे डाल देती हूँ इसके साथ। तो भाई जब तक हम बाहर से होके आते हैं ना, तब तक हमारी ये चिया सीड्स फूल जाएंगे। अब देख लो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ, सो दैट इसमें मेरे चिया सीड्स फूल जाए। और एक चीज़ देखो कि चिया सीड्स ऑलरेडी अब थोड़ा थोड़ा पानी सोख करना है, इन्होंने एकदम से झट से शुरू भी कर दिया है। तो चलो भाई हम लोग चलते हैं और बाज़ार चलते हैं, लिम्का लेकर आएंगे, दो चार चीज़ें भी लानी हैं। और आपको थोड़ा सा, आपको क्या, मैं खुद भी ढूंढना चाहती थी कि यार यहाँ पे ना स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र मार्केट तो सभी जाते रहते हैं नोएडा में, लेकिन मैं कुछ नया देखना चाहती हूँ, तो पहले थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो भाई ये है मेरा बाथरूम, और बाहर ना गर्मी बहुत है, तो मैं बस अपने बालों को टाई कर लेती हूँ और कुछ नहीं करूँगी। ये लगा लेती है बनाना क्लिप। चलो बस आई एम रेडी। ये जरा नज़ारा देखो, मैं इतनी ज़्यादा लेजी हूँ ना यार, रोज़ बाल गिरते हैं, अब रोज़ बाल कौन उठाएगा। आई होप सारी लड़कियाँ मेरी इस प्रॉब्लम को समझती होंगी। चलो चलते हैं। बहुत बड़ा सा अपना नहीं रखा है बैग, छोटा सा रख लिया है बस मोबाइल और चाबी वाबी रखने के लिए। अबे यार तुम्हें चश्मा लेना भूल गई, दो मिनट में आती हूँ मैं चश्मा लेके। फाइनली आई एम बैक, अब चलो जल्दी से चलते हैं। तो ये भी अपनी सोसाइटी, थोड़ा सा देख लो, आज थोड़ा सा आज दिखाऊंगी, थोड़ा अगली बार दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग रहते हैं सेक्टर 128 में, और 128 जो है ना ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बाकी के नोएडा से काफ़ी अलग है। हालांकि दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट यही वाला सेक्टर पड़ता है, अगर आप दिल्ली से सीधा आ रहे हो ना अक्षरधाम से, तो जस्ट यही आपको सबसे पहली सोसाइटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत कम खाने के ऑप्शन है, बहुत सारे आपको ये खाने के लिए भैया मिल जाएंगे,
कैसे दे रहे हो भैया लीची? 160 तो भैया दिल्ली में भी है, 150 रुपये लगा रहे हैं। चलो आगे आम देखते हैं, आम देखते हैं वो कैसे है। अरे वाह, दशहरी आम भी आ गए आज तो, बहुत बढ़िया लाइन लगी है यार आगे। आज लीची भी है, कैसे दिए? अरे वही भैया फिर से घूम के आ रहे हैं। ये वाले आम कैसे दिए? 120 के दशहरी। ओके चलो आगे देखते हैं। तो भाई आम ना मैं एक्चुअली खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। कैसी थी लीची? 160। सब एक ही रेट? तो यार यहाँ पे ना ये मटके के भी बहुत अच्छा जो है आपको पॉट्स वगैरह मिल जाते हैं, गर्मी है ऐसे में मटके के भी आप चाहे तो यहाँ से रेट्स लगवा सकते हैं, लेकिन हाईवे आई एम श्योर ये बहुत महंगे देंगे। आप पूछते हैं ज़रा भैया ये मिट्टी की बोतल कैसी थी? मिट्टी की बोतल कैसी थी? ये वाली? हाँ दिखाना, ये तो प्लास्टिक लग रहा है, मिट्टी है। इतनी चिकनी हो, वो वाली दिखाना, दूसरी वाली नहीं, छोटी वाली। ये आप वीडियो क्यों बना रहे हो? आपके लिए नहीं अपने लिए है। मैंने सुना हमारी वीडियो बना। नहीं नहीं अपने लिए है। मैं जब भी तो डर रहा हूँ कि वीडियो कैसे बना। नहीं ये कैसी थी? 250 रुपए की। भैया बहुत महंगी नहीं है? मैडम जी का ठंडा पानी ना करे, गर्म भी पानी भर दोगे ना गैस पे सोख तो, मिट्टी तो लेकिन पानी सोख लेती है ना। और ये जग कैसा दिया ये? ये मैडम जी ये 400 रुपए का, ये जग अच्छा है ना मिट्टी का, रेट कम लग जाएगा, पसंद कितना लगाओगे बताओ? चलो कौन सा लोगे, ये मिट्टी का जग है मुझे दिखाई दी और बहुत ही प्रिटी है, कितना लगाओगे बताओ? चलो 350 रुपए दे देना। 350 भी बहुत महंगा, कितना दोगे? और मटके, ये मटके कैसे दिए? मटके पसंद कर लो, ये कौन सा चाहिए? कोई बिना टोटी वाला दिखाओ, टोटी तो खराब हो जाती है। टोटी खराब नहीं होती, और अपने घर को पड़ा है ना, छोटा कैसा दिया? छोटे मोटे का 120 रुपए का, ये ज्यादा सही है। नहीं अच्छा, इसके अंदर वो बन जाएगी लस्सी। तो नोएडा में इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स है ना, इतना बढ़िया रोड है, एकदम चौड़ा रोड, खुले खुले रोड और इतनी अच्छी ग्रीनरी, लेकिन खाने का ऑप्शन नहीं है। खाने का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कुछ स्ट्रीट फूड ही नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा 104 से आगे और देखते हैं यहाँ पे 73-74 सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ खाने का क्या मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट है। एकदम लेफ्ट जाना है अपने को, संभल के। देखो ये सोसाइटीज़ के नीचे ही अपनी मार्केट जो होती है ना ये खुल जाती है, लेकिन ये सोसाइटीज़ काफ़ी भरी हुई हैं इसीलिए इनकी मार्केट भी चल रही है। और देखो मुझे यहाँ से ऑलरेडी एक मार्केट दिख गई है और शायद हम यहीं आए थे, तो पूरा भरा हुआ एरिया है, रिहाइश है यहाँ पे अच्छी खासी। तो सेक्टर 76 आ गए 128 से चल के, और बस 10 मिनट का रास्ता था। तो अब एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि इस मार्केट में शाम वाला कल्चर हो गया कि शाम को ही सारे स्टॉल्स खुलते हैं, लेकिन दिन में शायद हम भूखों को कुछ मिल जाए। तो ये मार्केट आप एक बार देख लो, पूरा ब्रह्मपुत्रा मार्केट जैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और खाने के स्टॉल्स देखो क्या बढ़िया बढ़िया स्टॉल्स हैं। चाप कॉर्नर, शाम के लिए तैयारी कर रहे हैं भैया। कितने बजे शुरू होती है अंकल ये मार्केट? मैम मार्केट तो शाम से ही स्टार्ट होता है। अभी दिन में कुछ नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब अभी बना रहे हो? नहीं तो अभी आपको मिल जाएगा, 5-10 मिनट में रेडी कर देंगे। अच्छा। लगा रहे तंदूर में सेकना ही है। अभी स्टार्ट है भैया आपका स्टॉल? बादाम मिलते हैं? अभी कुल्फी नहीं मिलेगी? अभी बना रहे हो कुल्फी? अभी कितनी देर में जम जाएगी? तो भैया एक बार जरा इनका स्टॉल देखो, बहुत ही बढ़िया, इन्होंने अभी बादाम मिल्क रखा हुआ है और इसी के अभी ये कुल्फी जमा रहे हैं। शाम को शुरू होती है सिंस ये मार्केट, तो अभी तैयारी चल रही है। चलो आगे देखते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर मार्केट में एकदम एंड तक आ गई देखने के लिए कि भाई आखिर यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, और काफ़ी अच्छे ऑप्शन से यार, मतलब भरे पड़े अनलिमिटेड। ब्रह्मपुत्र जाने की तो ज़रूरत ही नहीं, उससे कई दो गुना बड़ी मार्केट है मेरे ख्याल से। ये चाइनीज़ मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है, नॉन वेज वेज सब कुछ, जूस शेक्स मॉकटेल्स, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। और सिर्फ खाने का नहीं, शॉपिंग करने के लिए भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, सलॉन्स हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, भाई सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे देख लो। चिकन बिरयानी 90, हैदराबादी 90,
ओके। कैसे दिया? और फुल लेग्स वाला ये कैसे दिया? ये 250। यार मेरे ख्याल से यहाँ पे ना दिल्ली से ज़्यादा महंगी मार्केट है, क्योंकि दिल्ली में आपको 200 का पूरा ट्राउज़र मिल जाएगा और यहाँ पे 250 बोल रहे हैं। वैसे बार्गेनिंग कर लेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। तो भैया ये कैसे बनता है ये जो आपने ये बनाया हुआ है मिक्सचर? ये दूध से बनती है। अच्छा, दूध से बनती है। तो ये आप घर से बना के लाते हैं? जी, घर से बना के लाते हैं। इसको पका के आधे घंटे पकाने पड़ते हैं इसको। तो ये शुरू हो गई है कुल्फी का, जो ये खाचा साचा इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर कुल्फी भरना और लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो आप। आप देखो ज़रा कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये बन रही हो, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आपको कुल्फी गर्मी में कितनी खानी है पसंद है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, क्योंकि गर्मियों में ना लिटरली जान होती है। तो भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं आज आई क्यों यहाँ पे मॉकटेल पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना ये जो कुल्फी यहाँ पे बन रही है, इसके लिए मैं थोड़ी देर और ये गर्मी झेल लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुल्फी होती है। और बस 10-15 मिनट और है, भैया ने देखो पूरा अपना जो ये बॉक्स है भर दिया है कुल्फी से, और बस 10-15 मिनट के अंदर ही हमें खाने को मिलेगी। तो चलते हैं, ये तब तक रेडी हो रही है, हम चल के थोड़ा सा अपना पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो भाई इस टाइम ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मार्केट आधे से ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि शाम को सब कुछ ओपन होता है। तो मुझे यहाँ पे ये पंडित जी की रसोई दिखी और यहाँ पे डोसा है, डोसा खा लेती हूँ बिकॉज लाइट भी है, ज़्यादा हैवी नहीं होगा, तो चलो वही खाते हैं। वगैरह रख लूँ ताकि मॉकटेल्स बनाऊँ, तो मैं हर जगह देख रही हूँ कि सब लोग ना माला के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं। तो यार आप बताओ कि मैं किसके स्क्वैश बाय करूँ, माला के यूज़ करूँ, और दूसरी चीज़ मुझे ये कहाँ मिलेगा, ये मेरे को चाहिए ताकि मैं इससे बढ़िया बढ़िया अपना मॉकटेल्स बनाऊँ घर पर बैठ के। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। और साथ ही साथ जो नोएडा वाले हैं ना भाई, सेक्टर 76 तो आज मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, एक सेक्टर 75 में भी आई गेस मार्केट है, तो वहाँ भी जाएंगे अगली बार। उसके अलावा और क्या मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ ताकि मैं अपने दिल्ली वाले दोस्तों को दिखाऊँ, क्योंकि दिल्ली वालों को ना नोएडा में कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे ज़्यादातर फूड ब्लॉगर्स नहीं आते। बट आई वॉन्ट कि सिंस मैं भी दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं नोएडा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाने की जगह दिखाऊँ। तो डोसा खाना है, शिकंजी पीनी है, जैन शिकंजी वो भी खास तौर पर, तो फिर आ जाओ यहाँ पे पंडित जी की रसोई पर। अब चलते हैं अपनी कुल्फी खाने के लिए, अब तक तो ठंडी हो ही गई होगी। तो भाई डोसा खा लिया, जैन शिकंजी पी ली, अब इनकी जो ये कुल्फी हम रखवा के गए थे ना ठंडी होने के लिए, भी ठंडी हो गई है, और अब ये भी खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, मैंने पहले ही खाने शुरू कर दी थी। एक नंबर, सामने देख लो, आम्रपाली के सिलिकॉन सिटी है, गेट नंबर 2 के जस्ट सामने मार्केट है, और यहाँ आप आएंगे तो आपको ये बढ़िया से कुल्फी खाने को मिलेगी, सिर्फ 30 रुपीज़ इसका अमाउंट है, और भैया मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो भाई मैंने ना पूरी मार्केट ढूंढ ली है, अब मुझे लिमका छोटी वाली नहीं मिल रही है, सिंस मुझे बस अपने लिए बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मार्केट ड्यू ले लूँ व्हाट्सअप, और एक पेप्सी भी ले लेती हूँ।
मिरिंडा भी ले लेते हैं। पीनी है? चलो ये चार चीजें हो गई है तो इनकी बिलिंग करा लेते हैं। और एक बार और पूछ लेती हूँ, अगर अंदर भैया बताते हैं लिंक छोटी है तो है। भाई मैं लेने तो घर से निकली थी लिमका, पेट पूजा कर ली, अच्छे से खा पी लिया, ठंडा गरम सब खा लिया, लिमका नहीं मिली। उसके बदले मैं चार ऑप्शंस ले जा रही हूँ, फांटा है, माउंटेन ड्यू है, पेप्सी है, मिरिंडा है और ये है। मैंने पेप्सी कब उठाई, मेरे को ध्यान ही नहीं, मैंने पेप्सी उठा ली, पेप्सी तो थी अपने पास। वाह, चलो चलते जल्दी से घर। अंकल डब्बा है छोटा वनीला वाला, हाँ ला दो दे दो। ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, मदर डेरी के तो बड़े आते हैं, क्रीम बेल के छोटे थे। उफ, तो भाई फाइनली आ गई हूँ मैं वापस, और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। मॉकटेल बनाऊँगी बाद में, पहले मैं नहा लेती हूँ। ये सब सामान प्लीज़ फ्रिज में रख देना, आई एम गोइंग। नो दिस इज़ प्राइवेट, आप यही रुको, मैं आती हूँ नहा के फिर बनाएंगे मॉकटेल। बाय। तो हाय गाइस, मैं नहाकर आ गई हूँ, और भाई जहाँ से मेरी गाड़ी शुरू हुई थी ना मॉकटेल से, तो फाइनली वहीं पर आकर रुकी, और देख सकते हो कि मैंने मॉकटेल की सारी तैयारी कर ली है। तो ये जो चिया सीड्स हमने और अपना कतीरा जो है साथ में भिगोया था, वो देखो अब अच्छे से एकदम फूल गया है। और अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काम बहुत करना है। ये चीनी, फिर आएंगे इसके अंदर पुदीने जो कि मैंने धो के रखा है, अब आया नींबू। तो पूरा एक नींबू डालना है, अगर बड़ा नींबू है तो आप स्लाइस उसके काट के भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी आपको जो एक प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लुक देता है। और आपने देखा है कि भाई जहाँ पे आप जाते हो ना बाहर, वहाँ पे वो स्लाइसेस काट के डालते हैं। सिंस हम इंडियन हैं, मैं ऐसे नींबू को कैसे वेस्ट कर दूँ, देख रहे हो। ये काम ना कभी भी आपका नींबू वाला नहीं करेगा, इसके अंदर बहुत रस होता है, वाई टू वेस्ट इट। शुरुआत करते हैं, ये लेमन स्क्वैश है। सिंस मेरे नींबू जो थे ना वो थोड़े से छोटे से थे साइज़ में, और दो दिन पुराने भी हो गए थे, तो मुझे लगा उनके अंदर थोड़ा कम हो जाएगा उनका रस, इसलिए मैं अलग से लेमन स्क्वैश डाल रही हूँ। और ये है अपना सोडा। मैंने पहले दिन क्या गलती करी थी ना, मैंने पूरा का पूरा सोडा डाल दिया था, लेकिन ज़्यादा सोडा नहीं डालते हैं, बिल्कुल नाप तोड़ के डालते हैं। और भाई अब हमारा पॉइंट आ गया है माउंटेन ड्यू का, जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे लिमका, और हमें लिमका नहीं मिली, लेकिन हमें मिला माउंटेन ड्यू। लुक एट दिस मैन, इजंट इट अमेजिंग। तो भाई मैंने ना ये आइस क्यूब ट्रे जो थी ऑनलाइन देखी थी अमेजोन पर, और आप देख सकते हो तीन ही है इस जगह, ओह माय गॉड चौथा कहाँ है। तो चलो ठीक है, हम ये यूज़ करने वाले हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन पर देखा था, लेकिन मैंने इसे एक मार्केट में भी देखा, तो मैंने इसे झट से ट्राई कर लिया। तो भाई आज ना मैं जो आइस है उसको क्रश करके डालने वाली हूँ, और सिंस हमारे पास घरों में आइस क्यूब क्रश करने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे पास होता है देसी जुगाड़। ये बिल्कुल साफ पॉलीथिन है, और सिंस मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो मैं फिलहाल क्या करूँगी ना, अभी देखना। तो भाई हमारी जो देसी जुगाड़ थी ना वो रेडी हो गई है, देखो कितनी बढ़िया हमारी आइस जो है वो अच्छे से क्रश हो गई है, एक बज गई है। तो मैंने जो आइस क्रश कर ली है अब वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। मैं इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकती थी छोटे वाले, लेकिन आइस क्यूब्स ने ना वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्रश्ड आइस ना बिल्कुल आपके मुंह में आएगी घुली घुली। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आइस और, हमारा ब्लॉग शुरू हुआ था और 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे हमारा ये ब्लॉग फाइनली अब ख़त्म हो रहा है, और
दो बजे से मैं ये मॉकटेल बना के पीना चाह रही थी, एक बार बता दूँ कैसा है। लास्ट टाइम मैंने इसमें लिमका यूज़ किया था, बट आई गेस माउंटेन ड्यू भी अच्छा काम कर रही है। मस्त रेसिपी आपने देख लिया, बनाओ कैसा बने कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई आई होप कि आपने ये व्लॉग लास्ट तक देखा है, अगर देखा है ना तो थैंक यू सो मच कि आप लास्ट तक मेरे साथ रहे। एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि बुक्कड़ यात्री को हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है। एंड आई वॉन्ट कि यार बस कमाल हो जाए, ताकि ये जो मेरे आप सिस्टम देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे सिस्टम ले लूँ मैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सी डिश आप अगली बार देखना चाहोगे, और कौन सी मार्केट आप चाहोगे कि मैं अगली बार एक्सप्लोर करूँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू सब्सक्राइब। बाय बाय।